हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ थ्योरी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, साथ में इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को चेक करेंगे और इसके अलावा इसमें जो इसका एग्जांपल है वो मैं आपको जो है आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले हम लोग जो है ग्राफ थ्योरी के दो या तीन वीडियो हम लोग क्रिएट कर चुके हैं आप लोगों के लिए, जिसमें सिंपल ग्राफ है, देन उसके बाद मैंने आपको मल्टीग्राफ के बारे में बताया था, देन इसके बाद सूडोग्राफ के बारे में बताया था। तो अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को जाके नहीं पढ़ा है, देखा है, तो जाके आप देख लीजिएगा। इनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन है। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ को। तो डायरेक्टेड ग्राफ यानी नाम से ही पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को जो है जो शो करता है उसको हम लोग जो है डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अब याद हो अगर आपको, सिंपल ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंपल ग्राफ के अंदर किसी भी तरह की एरो नहीं होती है। एरो का मतलब ये होता है पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन नहीं होती है एजिस की, जो कि एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स की तरफ जब जाते हैं तो उसमें हम लोग जो है बाई डायरेक्शनल एजेस से हम लोग उसको शो करते हैं। बट डायरेक्ट ग्राफ में क्या होता है कि जब भी हम लोग जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द एज, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि हमारे पास जो है जो एक एज का जो डायरेक्शन होता है वो अवेलेबल होता है। वो अभी थोड़ी देर में आपको एग्जांपल की हेल्प से उसको शो कर दूंगा। सो अ ग्राफ इन विच द एजेस हैव अ डायरेक्शन इज नोन एज अ डायरेक्टेड ग्राफ, दैट्स इट। ओके, तो हमने देखा था जब हम लोगों ने सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन को पढ़ा था कि एजेस का कोई अपना डायरेक्शन जो था वो पर्टिकुलर नहीं था, यानी हम लोग जो थे एजेस को जो शो कर रहे थे वो बाय डायरेक्शन शो कर रहे थे। इवन अभी तक हम लोगों ने जो सूडोग्राफ के अंदर और मल्टीग्राफ की जो डेफिनेशन को पढ़ा था उसमें जो एजेस थी वो हमारी बाई डायरेक्शन थी। बट अब जो है डायरेक्ट ग्राफ के अंदर जो हमारी जो एजेस होती हैं उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो इसके अंदर जो ग्राफ है, डायरेक्ट ग्राफ है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग जो है डायग्राफ कहते हैं। तो डायरेक्टेड का डी डी आई और ग्राफ यानी डायरेक्टेड ग्राफ, डायग्राफ। ओके, नाउ डायरेक्टेड एजेस के अंदर जो होता है क्या होता है, उन डायरेक्टेड एजेस को जो कि पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन पे जाती हैं उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग जो है आर्क कहते हैं। साथ में डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर लूप अलाउड होता है। अब लूप क्या होता है इसको मैं आपको पहले के वीडियो बता चुका हूं, जिसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास सेल्फ एज होता है किसी भी पर्टिकुलर वर्टेक्स के अंदर उससे हम लोग जो है लूप कहते हैं। लूप के डेफिनेशन को और जानने के लिए आप जो है सिंपल ग्राफ की वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम लोग जो है दो वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द एज, अब उसमें क्या होता है हमारे पास जो है दो एज को कनेक्ट करने के लिए, सॉरी दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है दो एजेस, डिफरेंट एजेस हो सकती हैं बट सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे इट अलाउज द टू एजेस जॉइनिंग द सेम वर्टेसेस बट गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी जब हम लोग जो है दो वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे ए से डी को हम लोगों ने कनेक्ट किया, तो ए से डी में आप देखें कि E1 और E2 जो हैं एजेस हैं जो कि दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है, डिफरेंट एजेस हैं। बट अगर आप यहां पे देखेंगे कि A से D की तरफ एक एज E1 जा रही है और D से A की तरफ एक और एज जो है E2 जा रही है, तो हमारे पास जो दो एजेस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है और अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जो है दो एजेस का यूज कर सकते हैं जिसमें हम लोग जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए, बट इसके अंदर जो दोनों एजेस की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डायरेक्टेड एज के अंदर जो है हमारे पास जो वर्टिसेस होते हैं यानी पेयर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर को मैंने सिंपल ग्राफ के अंदर बताया था, बट स्टिल मैं इसके अंदर आपको इस वीडियो के अंदर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अब हम लोग जो है इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ डायरेक्टेड ग्राफ VE कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस V एंड अ सेट ऑफ डायरेक्ट एजेस E, यानी हमारे पास जो है दो सेट है वर्टिस V के और एजेस के, जिसको हम लोग V और E के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो एजेस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, अब एलिमेंट्स कौन से होते हैं एजेस के, वो होते हैं हमारे पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो जो एलिमेंट्स होंगे एजेस के वो जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वर्टिस के। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन है। मैथमेटिकली भी इसको मैं आपको शो करके बताऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको जो इसका एग्जांपल जो है इसको मैं बता देता हूं। तो देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है,
अब इस एग्जांपल के अंदर वर्टिसेस के अपने एलिमेंट्स हैं, जो कि हम लोग वर्टिसेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसके नोड्स होते हैं, जिसको हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें चार एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे पास चार वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी। अब हमारे पास कुछ एजेस हैं, ई। अब यहां पर एजेस जो हैं, वो जो एज है कैसे है मैं भी आपको बताता हूं। तो ये सबसे पहली जो एज है E1 है। अब E1 के अंदर जो एज है आप देख सकते हैं, E1 जो हमारी एज है, E1 जो है किसको, ये अपना हमारा E1 है। तो E1 जो है A से D को कनेक्ट कर रही है, किसके कनेक्ट कर रही है, A से D को कनेक्ट कर रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग A से D को लिख रहे हैं, तो जब हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है तो AD जो है वो DA के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि पहला जो होता है सोर्स होता है, डी जो होता है डेस्टिनेशन होता है। तो सोर्स से यानी ए से डी की तरफ, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ हमारा जो है वो एरो है, यानी ए जो है वो सोर्स है और डी जो है डेस्टिनेशन है। अब हम लोग अगर इसको अनऑर्डर्ड पेयर में क्या होता था कि ए और डी बराबर, डी और ए के इक्वल होता था, यानी इसको हम लोग जो है मतलब इस तरह से डिफरेंटली हम लोग उसको लिख लेते थे, करेक्ट होता था। बट अनऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो है ये इसके इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी एज है वो बाय डायरेक्शन है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी एज जो है वो डायरेक्टेड एज है, यानी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए E1 जो है वो AD के इक्वल है और D से A जो है हमारा E2 है। इसी तरह से A से B की तरफ जो है जा रहा है, यानी A से B की तरफ हमारा एरो है, तो ये हमारा E3 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एज है E4, D से B की तरफ E4 हो गया। CD से D की तरफ ये हमारा E5 हो जाएगा। एंड C से बी की तरफ जो है हमारा E6 है। एंड बी से सी की तरफ जो है हमारा E7 है। और डी और सी ये दोनों के दोनों जो हैं हमारे लूप हैं। क्या है ये लूप है, जो कि सेल्फ एज है। तो अगर आप देखें E8 और E9 ये दोनों के दोनों जो हैं हमारे ये लूप हैं। ओके, ये लूप है और ये जो है सेल्फ एज है एक पर्टिकुलर वर्टिसेस के अंदर। तो आपने देखा E8 और E9 जो है लूप को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे E8 और E9 जो लूप को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो ग्राफ है ये डायरेक्टेड ग्राफ है। देखिए अब इसके अंदर जो सबसे मेन जो उसका एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें डायरेक्शन तो होती है, इसमें लूप भी होता है, और दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है दो एजेस भी हो सकती हैं, पर वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे ए से डी आप देख रहे हैं कि एजेस हैं हमारे पास, दो एजेस हैं, डिफरेंट एजेस हैं, बट यहां पर जो एज है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। अगर यहां पर एजेस जो है सेम डायरेक्शन में होंगी तब उस केस में ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं कहला जाएगा, बल्कि ये जो है डायरेक्टेड मल्टीग्राफ हो जाएगा। अब डायरेक्टेड मल्टीग्राफ क्या होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आप इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। देखिए डेफिनेशन में हम लोगों ने ग्राफ में क्या लिखा पढ़ा था, एफ जो है हमारा इसमें एज ई जो होता है, अब वी क्रॉस वी होता है। V क्रॉस V का मतलब है कि दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स हैं, एजेस के एलिमेंट्स हैं, सॉरी वर्टेक्स के एलिमेंट्स हैं, जो कि V क्रॉस V लिख देंगे। आप चाहो तो उसको डायरेक्टली आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं, U एंड V, सच दैट U एंड V बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ V। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है, ये इसकी जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है किसकी, डायरेक्टेड ग्राफ की। ओके, ये इसकी मैथमेटिकली भी इसकी डेफिनेशन है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों के दोनों एजेस जो हैं, अगर कोई हमारे पास कोई पर्टिकुलर एज है FE1, वो जो एज है वो जो एज पर्टिकुलर एज है यहां पर, यानी कोई भी एज का जो फंक्शन है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। यानी FE1 जो है अगर आप देखें तो FE2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है ऑर्डर्ड पेयर है, और अगर वो
दोनों इक्वल हो जाएंगी तो उस केस में हमारा जो ग्राफ होगा वो डायरेक्टेड मल्टीग्राफ जो है बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। डायरेक्ट ग्राफ को मैंने बताया है, बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका जो कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा जो बाकी के वीडियोस हैं ग्राफ थ्योरी के, वो भी मैं धीरे धीरे आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत जल्दी जो है अपलोड हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।